सिर्फ ये एक चीज मिलाकर लगा लीजिए अपने चेहरे पर रोजाना रात को सोने से पहले, आपका चेहरा बिल्कुल शीशे की तरह चमक उठेगा, दमक उठेगा। ये कोरियन स्किन के रूटीन जरूर फॉलो करिए और फिर देखिए अपने चेहरे की चमक को, अपने चेहरे के नूर को। महंगे से महंगा फेशियल भी इसके आगे फेल है। एग्जैक्टली, आज आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आई हूँ जो बिल्कुल इजिली आपके किचन में अवेलेबल है। आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना, कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना और उसके साथ आप अपना बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं अपने चेहरे पर, वो भी लॉन्ग टाइम वाला, बिना साइड इफेक्ट के। कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं, कोई महंगे फेशियल की जरूरत नहीं, और अगर आपने आज तक कोई महंगा फेशियल कराया है तो उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, चावल लेने हैं। आपने आधा कटोरी चावल ले लेने हैं, जो भी आपके घर पे चावल अवेलेबल है, और उसको एक ग्लास पानी में भिगो कर रख देना है रात को सोने से पहले। जब आप सुबह उठेंगे तो वो राइस वाटर पूरा फर्मेंटेड हो चुका होगा, मतलब वो उसका पानी जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग दूध जैसा पानी हो गया होगा। जैसे दूध होता है ना, दूध का कलर होता है बिल्कुल व्हाइट, जो व्हाइट पानी ऊपर आ गया है, अब आपको उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपने अब क्या करना है, कोई भी कांच की कटोरी लेनी है और उसमें आपको उसको स्टोर करके रखना है, प्लास्टिक की बॉटल में बिल्कुल नहीं रखना। अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना कैसे है, इसमें आपको कोई भी चीज ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपको प्लेन राइस वाटर यूज करना है रोजाना। ये राइस वाटर आपकी स्किन को इतना फ्लॉलेस बना देगा, अगर आपके स्पेशली जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, झुर्रियां आ चुकी हैं और अपनी आप स्किन को टाइट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ अगर आपके फेस पर झाइयां हैं या आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, आपकी स्किन पर कोई रौनक नहीं, तो भी आपकी स्किन को ये बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रोजाना सुबह नहाने के बाद इसको अप्लाई कर लेना है और 10 से 15 मिनट बाद चेहरा पानी से धो लेना है और उसके ऊपर से जो एलोवेरा जेल होता है ना वो आप अप्लाई कर लीजिए। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो जो भी आपका डेली मॉइस्चराइजर है वो आप अप्लाई कर लीजिए। अब जान लीजिए दूसरा सही समय क्या है इसका, कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश से अच्छे से धो लीजिए। साफ करने के बाद आपको ये राइस वाटर लेना है, इसमें कॉटन डिप करना है और अपने पूरे फेस पे इसको लगा लेना है या फिर स्प्रे बॉटल में डाल के अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है और 5 से 10 मिनट बाद आपको सो जाना है, एज इट इज लगे रहने देना है, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद सोना है ताकि आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब कर जाए। और सुबह उठकर ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। एक दिन में ही आपका चेहरा शीशे की तरह खिलकर आ जाएगा। और अगर आप इसका लॉन्ग टाइम रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो लंबे समय तक आपके चेहरे पर असर भी दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर आपकी स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो एक रात से ज्यादा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ग्लोइंग इफेक्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन चेहरे के दाग धब्बे हो, रिंकल्स हो, ये सारी चीजें हटाने के लिए कम से कम आपको इसको 1-2 महीने तक फॉलो करना होगा। अब जो हमने पानी यूज कर लिया था, अब हमारे चावल वो बच गए थे, उनको फेंकना नहीं है। ठीक है, अब आपको उसको मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बनाना है। उसके साथ हमें क्या करना है, लाल मसूर दाल लेनी है। लाल मसूर दाल जो होती है वो आपकी स्किन के कलर को नेचुरली लाइटन करके ब्राइटन करने का काम करती है, आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे और झाइयों के मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करती है। सच में आप नोटिस करेंगे विद इन अ मंथ कि आपका चेहरा एकदम खिलकर बाहर आ गया है। तो आपने क्या करना है, लाल मसूर दाल को उसके साथ आपको पीस लेना है, पीस कर आपको पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को कांच की कटोरी में स्टोर करके रख दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, 2 से 3 दिन के लिए ही रखना है, उसके बाद आप दोबारा से फ्रेश बनाएं। अब क्या करना है, जब ये पेस्ट बनकर आ जाएगा तो आपको इसमें 1 चम्मच दही ऐड करना है। दही क्यों ऐड करना है, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करता है, आपकी स्किन के कलर को इनहांस करके यंगर लुकिंग बनाता है, आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा यूथफुल दिखेगी, आपके चेहरे की जितनी भी पिगमेंटेशन है, जितना भी आपके चेहरा बिल्कुल धूप से काला पड़ गया है, वो काली परत उतार के बाहर फेंक देगी। तो अब आपको इनको मिक्स करके अच्छे से अपने फेस पे लगाना है रात को सोने से पहले और 10 मिनट बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लेना है और धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। और एक टिप जरूर फॉलो करनी है, आपने जब भी सोना है तो बादाम का तेल की 2 से 4 बूंदे अपनी नेवल में डालकर सोनी है। इससे क्या होता है, बादाम का तेल जब हम अपनी नेवल में लगाते हैं तो हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग बनती है और यूथफुल बनती है। आपको अगले दिन अपने चेहरे पर साबुन यूज बिल्कुल भी नहीं करना, 24 आवर्स बाद ही आपको कोई भी अपना फेस वॉश या कोई भी साबुन जो है, जो भी आप यूज करते हैं अपने फेस पे, वो आपको यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी स्किन को साफ करके सो रहे हैं तो आपको फेस वॉश की जरूरत नहीं। लेकिन धूप में है, जा रहे हैं, घर पर है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, लेकिन जरूर यूज करना है, क्योंकि जो भी हम अपने फेस पे चीजें लगाते हैं उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। खुश रहें, पानी बहुत ज्यादा पिएं, हेल्दी फूड खाएं और मुझे याद करते रहें, प्यार देते रहें, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।